इसका पस मंजर यह है कि आपको पता है कि 2 हिजरी के अंदर गजवे बदर हुई थी, जो सूरतुल अनफाल में डिटेल से आएगा कि अल्लाह ने अपने नबी के साथ वादा किया था कि 2 लश्करों में से 1 लश्कर तुम्हें मैं दे दूंगा। एक अबू सुफियान का लश्कर था जो कि शाम से तजारत करने के बाद मक्के वापस आ रहा था, और जाहिर है कि मक्के वालों ने मुसलमानों की जदादें वहां पे कब्जा कर ली थी, उसके बदले में मुसलमानों को इजाजत दी गई कि अब इनका माल भी तुम लूट सकते हो बदले के तौर पे क़िसास। इसलिए मुसलमान जो है वो जब एक नहत्ते लश्कर को लूटने के लिए घर से निकले तो जाहिर है जिसके हाथ में कोई डंडा था, कोई किसी के हाथ में कोई छड़ी थी, वो लेके निकला। तलवारों से तो निकले नहीं थे क्योंकि वो लश्कर तो एक तजारती काफिला था जिसके अंदर तलवारें वगैरह तो नहीं होती थी। लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि भाई ये तो हम अब तुम्हें जो है वो कहीं और तुम्हारी टक्कर करवाएंगे और हक का हक होना जाहिर करेंगे। अबू सुफियान को ये जब बात पता चल गई कि इस तरह मुसलमान हमारे लश्कर को लूट सकते हैं तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और पैरेलल में उसने एक कासिद भिजवा दिया मक्का शरीफ के, तुम्हारे तजारती काफिले को खतरा है क्योंकि सारी रोजी रोटी उसी के साथ जुड़ी हुई थी उनकी। अबू सुफियान के कारवां को जिसमें तुम्हारी जायदाद है, मोहम्मद और उसके सहाबा ने रास्ते में रोक लिया है। वो सारे अपना जो सामान देते थे वो बेच के शाम में, और उससे वो पैसे या उसके बॉर्डर सिस्टम था उसके मुतबादल और चीज़ें लेके आते थे। तो उन्होंने अपने काफिले के बचाव के लिए पूरी तैयारी करके 1000 का लश्कर कील कांटे से लेस असले से लेस ले आए, और यहाँ मुसलमान नहाते थे। अब मुसलमानों के सामने ऑफर थी, कुरान ने कहा कि तुम्हारा तो दिल था कि तुम तजारती काफिले को लूटते, लेकिन अल्लाह ताला इन 313 नहाते मुसलमानों को टकरवाना चाहता था उन 1000 असले से लेस लोगों के साथ, ताकि अल्लाह ताला इसे यौमुल फुरकान हक और बातिल की जीत का जो फर्क है, जो हक और बातिल का फैसला कर दे कि हक जो है वो उसकी जीत है और बातिल की शिकस्त है। ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही इतने गए गुजरे थे कि वो बेचारे एक तलवार भी घर से नहीं ला सकते थे। ये जो हमारा प्रेजेंट किया जाता है ना कि वो शायद को बहुत गरीब थे, वो पीछे रीजन ये थी कि वो जो तलवारें उनके पास नहीं थी क्योंकि वो इस नीयत से तो गए नहीं थे। तो गैबी मदद आई और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उनके लश्कर को मिलिया मेट किया। अब इस चीज का गुस्सा उनके अंदर मौजूद था क्योंकि अरब के लोग इतने जंगजू और क्रेश के लोग जंगजू, और फिर उनकी एक इज्जत, पूरे अरब में उनका काफिला कोई लूटता नहीं था कि ये काबे के मुतवल्ली हैं, गद्दी नशीन हैं, खानकाह नशीन हैं, और मुख्तलिफ कबाइल के बुत भी खानकाबे में रखे होते थे। उनको ये भी डर होता था कि अगर हमने इनका काफिला लूटा तो ये हमारे बुत उठा के, हमारे खुदाओं को, बुजुर्गान दीन को उठा के बाहर फेंक देंगे, तो हमारे बुजुर्गों की ये तोहीन कर देंगे। तो वो इस डर से काफिले नहीं थे कुरैश के लूटे जाते, यानी ये शाही खानदान था पूरे अरब के अंदर। अब उस शाही खानदान की इस तरह मिट्टी पलीद हो नहाते मुसलमानों के हाथों, जो खुद भी कुरैश में से थे, मुसलमान भी ज़ाहिर है कुरैश में से थे मुहाजरीन, तो उस शिकस्त का बदला वो लेना चाहते थे। 70 बड़े बड़े सरदार उनके कत्ल हो गए थे जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अबू जहल भी मारा गया था बदर के अंदर। तू बहुत ऊंची जगह पर चढ़ बैठा है, अपनी मुराद पूरी कर चरवाहे। मक्के का कोई घर ऐसा नहीं बचा था जिसमें कोई मैयत ना हो। 1 साल उन्होंने पूरी तैयारी की कि हमने ये बदला उतारना, इनका बदला लेना है, बदला लेना है सफवान। हमें तब तक खुशी नसीब ना होगी जब तक हम बदला ना ले लें। 3 हिजरी में फिर वो बदला उतारने के लिए पूरी तैयारी के साथ 3000 का लश्कर लेके आए वो, और इस दफा वो आते हुए औरतों और बच्चों को भी साथ लेके आए कि अगर हम भागने लगे तो हमें इस चीज का डर होगा कि हमारे बच्चे और हमारी औरतें मुसलमानों के हाथ लग जाएंगी, तो हमें इस गैरत की वजह से जान तो हम दे देंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस दफा इनके लश्कर में हजरत खालिद इब्न वलीद भी शामिल थे जो गजवे बदर में शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि अबू जहल ने उन्हें पीछे मक्के के अंदर सरदार के नायब के तौर पर छोड़ा था, और अबू जहल चूंकि अब मारा जा चुका था, इस दफा लश्कर की सरबराई जो है वो अबू सुफियान के जिम्मे आई। अब ये अल्लाह का करना है कि बाद में हजरत अबू सुफियान ने भी, हजरत खालिद बिन वलीद ने भी, दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया।
رضی اللہ عنہما و علیہم السلام. تو لیکن اس وقت تک ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی ان میں موجود تھی. بلکہ بدر کے اندر ہی صرف ابو جہل آیا, باقی جتنے جنگیں مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی ہیں, ایک غزوہ حنین کو چھوڑ دیں آپ, باقی سب میں لیڈر جو ہے وہ کفار کی طرف سے ابو سفیان ہی تھا, چاہے وہ احد ہو, چاہے خندق ہو, یا صلح حدیبیہ والا ایشو ہو. تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے. اب مسلمانوں میں یہاں پہ مشورہ شروع ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش یہی تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کے نا مدینے کا دفاع کرنا چاہیے, جس طرح کے بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر کیا. چونکہ مساک مدینہ بھی یہودیوں سے ہوا تھا, تو ہمیں ایک عددی برتری بھی حاصل ہو جائے گی کہ مدینے پہ اگر مشرکین عرب نے حملہ کیا تو یہودی بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارا ساتھ دیں گے, کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تو بندھے ہوئے تھے. اور اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مدد حاصل نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ غزوہ بدر کے بعد انصار مدینہ نوجوان لڑکے مسلمان ہوئے تھے, وہ تو ابھی اس شہادت کے جذبے کے ساتھ سرشار تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیوں اندر رہنا ہے, ہم نے تو باہر نکل کے لڑیں گے ایسی کی تیسی ان کافروں کی, ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, اب اگر یہ اکثریت کا ہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے, میں اسی کو مانتا ہوں. اسلام میں یعنی اس اعتبار سے حلال کے دائرے میں تو جمہوریت ہی دیکھی جائے گی, حلال کے دائرے میں. حرام کے معاملے میں دیکھا جائے گا اللہ کا حکم کیا ہے. تو اب یہ دونوں حلال تھے, یا مکے کے مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرتے یا باہر. تو اب اکثریت کی رائے تھی باہر, تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. بہرحال یہ اب پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے زرہ پہن کے نکلے, تو یعنی صحابہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کوئی زیادہ سخت ہونے والا ہے. آپ نے یعنی خود بھی پہنا وہ جو سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے, اور پھر نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری میں آتا ہے خواب بھی دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے جس کا کافی زیادہ خون نکلا ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے کافی سارے اصحاب اس میں شہید ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی تقدیر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا نا. تو نبی علیہ السلام باہر نکلے. اب آپ باہر جو ہے مورچوں میں مختلف جگہ پہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے. تو اب یہاں سے یہ وہ اس واقعے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے ہوگا کہ آپ مورچوں کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ فلاں نے اس جگہ رہنا ہے, فلاں نے اس جگہ رہنا ہے, اور اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے. صحیح بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے, قرآن میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا آگے چل کے, کہ ایک کرٹیکل درہ تھا, پہاڑی چوٹی تھی جس کے اوپر آپ نے 50 تیر انداز جو ہے نا وہ مقرر کر دیے, جن کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان 50 لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم اگر یہ دیکھو کہ چیل کوے بھی ہماری لاشوں کی بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, تب بھی تم نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں. اب اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا نا کسی کو. رسول اللہ کا حکم ہے, کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے سب کو ڈٹے رہنا ہے, تمہیں آخری دم تک اس جگہ قائم رہنا ہے. کہ جو مرضی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. آخری یہی ہو سکتا تھا نا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ درہ چھوڑتے. آپ فرمایا تم نے تب بھی نہیں چھوڑنا. لیکن وہی ہوا کہ جب جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے, اور مسلمان جو ہے وہ ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گیا, مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا. ان کی مال اور غنیمت, مال اور غنیمت, چلو چلیں, اپنی جگہ ڈٹے رہو, یہاں سے مت جاؤ, اپنی جگہ ڈٹے رہو یہاں سے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آئے گا, بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. تو وہ جو 50 تیر انداز تھے نا, انہوں نے وہ پہاڑی جو چوٹی تھی, وہ آج بھی آپ غزوہ احد کے شہداء کا جو قبرستان ہے اس کے پاس وہ آج بھی درہ موجود ہے. وہ پہاڑی چوٹی جو ہے چھوٹی سی, اس پہ میں خود بھی چڑھا ہوں, آپ چڑھ سکتے ہیں, اتنی اونچی نہیں ہے. وہ انہوں نے چھوڑ دیا, اگرچہ جو ان کے لیڈر تھے عبداللہ ابن جبیر وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا, صرف 15 بندے اس کے ساتھ رہے, باقی 35 لوگ جو ہیں مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا تو اس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوتی, اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے, یعنی اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا.
हालांकि हुजूर ने फरमाया था मेरे हुक्म का इंतजार करना है। इससे पता चला कि इज्तिहाद अगर सहाबा भी करें और वो किताबो सुनने से टकराए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो बाबे तो अपने बोझ इस्तेमाल के रखो, तो बुजुर्ग भी बोझ इस्तेमाल के रखो। अच्छा, अब वही हुआ, खालिद इब्ने वलीद की उकाबी नजरों ने ये देख लिया, चूंकि वो थे कैवलरी के सरदार, यानी एक तो पैदल फौज होती है ना, एक घोड़ों वाली फौज, वो थे घोड़ों वाली फौज के ऊपर, और यहां से ये सारे इनकी फौज जब भाग के जा रही थी कि भाई हम तो शिकस्त खा गए, उन्होंने जब देखा ना कि उसने दर्रा छोड़ दिया है, और उनको ये पता था कि इस पहाड़ी के पिछली साइड के ऊपर रास्ता है, पीछे से ला के हम इन पे हमला करें तो मुसलमानों की फौज को हम सैंडविच बना देंगे, पीछे इस तरफ से कैवलरी का हमला हो जाएगा यानी घोड़ों के ऊपर, इधर से ऑलरेडी हमारी फौज मौजूद है जो भाग रही है, तो इनको हम जो है ना वो दोनों फौजों के दरमियान इनको पीस देंगे। बस वही हुआ, खालिद इब्न वलीद ने आके ना उस पहाड़ी के पीछे से हमला किया। अब जाहिर है कि मुसलमान तो अभी वो तो सामान समेट रहे थे काफरों का, माले गनीमत, वो तो रेडी भी नहीं थे, पीछे से हमला हो गया, और इसमें ऐसी भगदड़ मची कि सही बुखारी में आता है कि बाद सहाबा भी सहाबा के हाथों कत्ल हो गए, उस जिसमें फ्रेंडली फायरिंग के अंदर, जिसमें हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के वालिद भी शहीद हो गए थे, उनको मुसलमानों ने ही मार दिया, ऐसी भगदड़ मची, और इसका इफेक्ट हुआ कि हजरत हमजा भी शहीद हो गए जो कि आर्मी चीफ थे मुसलमानों के। फिर उनकी लाश का मुसला किया गया। हिंद जो अबू सुफियान की बीवी थी, चूंकि गजवा बदर में अबू सुफियान की बीवी का भाई और उसका बाप उतबा बिन रबिया और भाई उसका वलीद बिन उतबा, ये सब लोग और चचा, ये सब लोग मरे हुए थे, ये सब कुछ जनाब उमर सीरीज के अंदर उन्होंने फिल्माया है आपको, जनाब वो गजवा ओहद के मौके पे उन्होंने पहुंचा दिया है। उर्दू डबिंग के साथ भी हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com के ऊपर रखी हुई है, आप डाउनलोड करके उसे जरूर देखें। तो उसने वो कलेजा चबाया और मुसला किया लाश का, और मुसलमानों को ज़ाहिर एक तकलीफ पहुंची, मदीने का कोई घर नहीं था जिसमें कोई मैयत ना हो, इतने मुसलमान शहीद हो गए अंसार मदीना, मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए कि जी किधर बदर की कामयाबी और किधर ओहद के अंदर इतनी शिकस्त कि सबसे बढ़कर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की भी शहादत की खबर मशहूर हो गई, कुरान में उसका भी जिक्र आएगा। सब रसूल अल्लाह की तरफ पढ़ो, रसूल अल्लाह की तरफ पढ़ो। हत्ता के कई साहबों ने तलवारें फेंक दी कि अब तो हुजूर ही फौत हो गए, अब हमने किसके लिए लड़ना है, तो अल्लाह ने फरमाया कि भाई नबी तो पहले भी गुजरे हैं, अगर नबी अलैहिस्सलाम फौत हो जाएं या जंग में कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे, ऐसा तो नहीं है, अल्लाह ताला तो जिंदा है और उसके दीन को लेके चलना है, अल्लाह ताला का दीन नबियों का मोहताज तो नहीं है, नबी तो आए और चले गए, दीन तो हमेशा रहना है। तो नबी अलैहिस्सलाम के चार मुबारक दान ये शहीद हो गए, क्योंकि आप पे ऐसा हमला हुआ कि वो आपका अपना जो खोद ऊपर वो लोहे की टोपी पहनी थी उसके किंगरे जो है ना यूं अंदर गाल से अंदर चले गए, ये दांत टूट गए और इतना खून बहा कि साहबा को लगा कि भाई हुजूर तो फौत हो गए। फिर बुखारी मुस्लिम में आता है कि हजरत अली और हजरत फातिमा ने हुजूर का जख्म धोया और हजरत अली ढाल को उल्टा करके उसमें पानी लेके आए, हजरत फातिमा ने जख्म धोया, फिर हजरत फातिमा ने सलामुल्लाह अलैहा जब खून नहीं रुकता था तो उन्होंने एक कपड़ा जला के कॉटन का उसकी राख रखी, उससे खून रुका, फिर आस्ता आस्ता यानी मामला सीधे हुए। इसी दौरान हजरत तलहा जो हैं वो अपने हाथों के ऊपर वो तीर रोकते रहे जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे थे, उनके हाथ जो है वो एक शल हो गया, पूरी ज़िंदगी उनका एक हाथ यानी उनका नहीं था, उसी में ही हुआ और जन्नत कमा ली उन्होंने। इसी तरीके से कई अंसारी सहाबा जो हैं वो हुजूर को बचाते बचाते शहीद हो गए जके बाद दीख रहे, और फिर इसी दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने और चंद सहाब ने जो आपके साथ थे, हज़रत अबू बकर उमर उस्मान तो नहीं थे,
हजरत उस्मान तो उस भगदड़ में जो है वो फितने का शिकार हो गए, फितना पंजाबी वाला नहीं अरबी वाला, आजमाइश का। हजरत अबूबकर उमर और अली और बाकी चंद सीनियर साहबा 12 के करीब जो थे हुजूर के साथ थे। तो फिर आप पहाड़ की तरफ चढ़ गए और उधर खालिद बिन वलीद तो कहने लगा कि भाई अब काम इनका ख़त्म ही कर जाएं ताकि मसला ख़त्म हो जाए। अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, ये पहाड़ के ऊपर है, हम अगर इनका पीछा करेंगे, ये ऊपर से सिर्फ पत्थर भी मारना शुरू करें तो हमें नुकसान हो सकता है, हमने बदला लेना था ले लिया। तो फिर वो वापस चले गए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी में आता है बाज़ असहाब को पीछे भेजा कि तुमने जाके अब इनका ताकुब करना है, ऐसा ना हो ये फिर पलट के वापस आ जाए। तो और ये भी एक बहादुरी की अलामत थी। फिर वो पीछा करने वाले असहाब में बड़े बड़े साहब हजरत अली और बाकी लोग थे जो पीछे तक गए, उनके लिए भी कुरान में फिर अल्लाह ताला की तरफ से आया कि ये लोग थे जिन्होंने हुज़ूर का साथ दिया और काफरों पर रोब डाल दिया, फिर वो वापस मुड़ के उन्होंने देखा नहीं है। और बहरहाल इसमें कई गलतियां हुई जिसका खुमियाजा फिर मुसलमानों को भुगतना पड़ा। हत्ता कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दांत शहीद हुए उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से भी एक बात निकली कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हदायत दे सकता है जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब गिरफ्त फरमाई तो अपने महबूब के ऊपर फरमाई, लैसा लका मिनल अम्र शै, ऐ नबी आपको कोई इख्तियार नहीं है किसी मामले में, अल्लाह चाहे तो इनको माफ भी कर दे। और वही खालिद इब्न वलीद जिसकी वजह से हुजूर के दांत शहीद हुए, उसी मुबारक जुबान से खालिद इब्न वलीद के लिए सैफुल्लाह का लकब मिला और वो मुसलमान भी हो गए। तो ये सारा मैंने एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया है। अब आप ये आयात हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जितनी बातें बताई हैं आलमोस्ट इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है। बल इसमें एक बहुत बड़ा और वाकया भी हुआ था कि अब्दुल्लाह इब्न उबई जो मुनाफिक था, वो अपने साथ लश्कर लेके अलग हो गया बीच में से मुसलमान, यानी जो उनमें से आप समझ लें कि उनकी एक एतबार से कमर ही टूट गई, ठीक है, कि वो अपने लोगों को लेके साइड पे हो गया। तो उनका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इशारातन इसमें किया है, उन मुनाफिकीन का जिन्होंने मुसलमान की जमीयत, मुसलमानों की जमीयत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ओवरऑल एक फतह दी और इस एतबार से कि अपना वादा पूरा किया, लेकिन बाद में अपनी गलती की वजह से उनको एक आजमाइश से भी गुजरना पड़ा। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि अल्लाह ताला इसके ऊपर मुसलमानों की दिलजोई भी करता, गलती को हाईलाइट करता, लेकिन ज़ाहिर है कि तमाम दिल दुखे हुए थे और ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने बदर की फतह देखी थी, ओहद की शिकस्त से कई लोगों के ईमान भी मुतजलजल हो गए होंगे। तो